के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की दुनिया भर में गजब की फैन फॉलोइंग है। मिथुन ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी, लेकिन हिट से ज्यादा उनके ग्राफ में फ्लॉप फिल्मों की संख्या ज्यादा दिखाई देती है। इसके बावजूद वह बॉलीवुड के सुपरस्टार कहे जाते रहे हैं, क्योंकि मिथुन का स्टारडम दूसरे कलाकारों से जरा हट कर रहा है। मिथुन चक्रवर्ती एक दिग्गज अभिनेता के साथ साथ निर्माता और राजनीतिज्ञ भी हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली भाषा की फिल्मों में काम किया है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 3 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया जा चुका है। मिथुन ने अपने अभिनय की शुरुआत आर्ट हाउस ड्रामा मृग्या 1976 से की थी, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। उन्होंने 1982 की फिल्म डिस्को डांसर में जिमी की भूमिका निभाई, जो वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली भारत की पहली फिल्म थी। डिस्को डांसर के अलावा चक्रवर्ती को सुरक्षा, साहस, वारदात, वांटेड, बॉक्सर, प्यार झुकता नहीं, प्यारी बहना, अविनाश, डांस, प्रेम प्रतिज्ञा, मुजरिम, अग्निपथ, युगांधर, द डॉन और जल्लाद जैसी फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाता है। ऐसी 180 फिल्मों के साथ मिथुन सर्वाधिक फ्लॉप फिल्मों वाले बॉलीवुड अभिनेताओं की सूची में नंबर 1 पर है। वहीं दूसरे स्थान पर 106 फ्लॉप फिल्मों के साथ जितेंद्र है। ये एकमात्र ऐसे 2 अभिनेता हैं जिनके करियर में 100 से ज्यादा फ्लॉप फिल्में रहे। धर्मेंद्र अपने करियर में 99 फ्लॉप फिल्में देकर इस लाइन पर चल रहे हैं।